यू नो थैंक यू फॉर मेकिंग माई डे, मेरा दिन बनाने के लिए शुक्रिया। आज सुबह सुबह जब मैं उठा तो मेरे फ़ोन पे मेरे एक करीबी दोस्त हैं, उन्होंने एक उपमा की फ़ोटो भेजी और बोला कि ये मेरी माँ के बाद ये सबसे अच्छा उपमा मैंने खाया है। और मेरे पड़ोस की एक जो पंजाबी दोस्त हैं उन्होंने बना के भेजा है और ये बोला है कि रणवीर ब्रार की रेसिपी हमने जैसी थी वैसी ही बनाई है और दैट वॉज़ दी उपमा। स्टफ़ लाइक दैट मेक्स माई डे। यू नो जब मैं ये सब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ घूम के मेरे पास आ रही है एंड इट रियली मेक्स माई डे। थैंक यू फॉर डूइंग दैट, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, इट मीन्स अ लॉट टू मी। आज की रेसिपी बनाए दही भल्ले बनाते, दही भल्ले दही बड़े। तो मैं सोचा भाई है तो बहुत सिंपल लेकिन प्रोपोर्शंस रेशियोज में गड़बड़ हो जाती है, तो मैंने कहा दही भल्ले बनाते हैं। आज की डेट में ना हम बात करते हैं सुपर फूड्स की, और जब सुपर फूड्स की बात करते हैं वी टॉक अबाउट फर्मेंटेड फूड्स अ लॉट। एंड कम टू थिंक ऑफ इट, दही भल्ला या दही बड़ा जो है वो एक किस्म से द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ फर्मेंटेड फूड, क्योंकि एक तरफ तो दही है जिसमें लैक्टोज को फर्मेंट होके लैक्टिक एसिड बना हुआ है, और दूसरी तरफ फर्मेंटेड लेंटिल्स, और इन दोनों फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स को मिला के जो डिश बनी है उसको दही बड़ा कहा। यानी कि कुल मिला के कह लीजिए द अल्टीमेट इंडियन सुपर फूड। और आज हम वो फर्मेंटेशन के लेसन्स अनफॉर्चुनेटली वेस्ट से ले रहे हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, रॉकेट साइंस तो वैसे भी नहीं होती है ना। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, दालें कम से कम 6 से 7 घंटे भीगनी चाहिए, और मूंग दाल अलग और उड़द दाल अलग। तो 4 भाग उड़द में 1 भाग मूंग। अब उड़द और मूंग का जो मिश्रण है वो ज़रूरी इसलिए बिकॉज उड़द से फ्लफीनेस आती है और मूंग से बॉडी आती है, तो थोड़ा बहुत मूंग डालना ज़रूरी है। यू कैन एक्चुअली जस्ट मेक इट विद उड़द दाल ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि मूंग मिक्स करनी है उसके अंदर। अगर चाहे तो पूरा पूरा उड़द दाल से भी बना सकते हैं। एक और नॉर्थ इंडियंस को थोड़ी मूंग दाल ज़्यादा समझ में आती है। कुछ लोग चना दाल भी डालते हैं, चना दाल भी डाल सकते हैं भिगो के, बट 1:4, 1:5 का रेशियो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना जी। ज्यादा पानी नहीं डालना, बिगेस्ट मिस्टेक कि हम लोगों को लगता है भाई मिक्सी पीस नहीं रही है, पहले हम भीगी हुई दाल और साथ में पानी डाल देते हैं और बाद में उलझ जाते हैं। मोस्ट कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि हमको लगता है कि पीसेगी नहीं, पहले ही ज्यादा पानी डाल देते हैं, तो फिर बनाने जाते हैं दही भल्ले, बन जाते हैं पकौड़ियां, और फिर आप कहते हैं कि रणवीर आप बताते नहीं। ओके डन। अभी जो है मिक्सी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम, मिक्सी में तो सिर्फ पिस्ता है लेकिन असली जो है दही भल्ला जो है वो परांत में बनता है। तो अगर बड़ी सी परांत है घर में, बड़ी सी परांत, बड़ी सी थाली ले लें, जो भी बड़ा बर्तन है वो ले लें, और उसके बाद तसल्ली से 5 मिनट की कसरत के लिए तैयार हो जाएं। पानी का छींटा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी का छींटा, इसलिए क्योंकि बैटर जो है ना थोड़ा टाइट है मेरा। अगर आपका बैटर सही है तो मारने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे एक बार कंसिस्टेंसी और बैटर देख लीजिए, ये देखिए अगर मैं बैटर उठाता हूँ तो ऐसे हाथ में गोला बन रहा है। मतलब इतना गाढ़ा बैटर तो होना चाहिए। इससे थोड़ा पतला होगा तो चलेगा, लेकिन ज्यादा पतला होगा तो फिर भाई दही पकौड़ी बन जाएगी, भल्ले नहीं बनेंगे। अब 5 मिनट की मेहनत सिर्फ इसलिए कि इस बैटर के अंदर ना हवा भरनी, हवा, और जितना बारीक आप चाहें उतना बारीक पीस सकते हैं। मेरा क्या है ना, मैं थोड़ा चंकी रखता हूँ कि थोड़ा मुंह में बाइट आनी चाहिए ना। नाइस, अब देखिए इसमें शाइन भी आ रही है, उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है ना। अभी पता कैसे लगेगा कि भाई ये हो गई, पता ऐसे लगेगा कि एक बोल लिया जाएगा और बोल में भरा जाएगा पानी, और पानी भरने के बाद ये दाल का एक टुकड़ा लिया बैटर का और इसको ऐसे
ड्रॉप कर दिया। तो जैसे ही डूबेगा नहीं, देखिए ऊपर आ गया ना, इसका मतलब मामला तैयार है, वेस्ट नहीं करना। सिर्फ नमक, नथिंग एल्स, ओनली सॉल्ट। बस एक बार आखिरी जोर लगाना है रणवीर बरार। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं ना कि दाल को पीस के और उसके बाद उसको वापस छोड़ देते हैं ताकि और खट्टा हो जाए, वो दाल में राइज आ जाए। वो करना चाहे वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्थ इंडियन स्टाइल के दही भल्ला बनाना है तो क्या करना है कि बस उसको ऐसे हवा भर के और तुरंत के तुरंत फ्राई करना है। समय वेस्ट नहीं करना, ऐसे इमरती को फेंटते हैं ना, वैसे दही भल्ले के बैटर को फेंटना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना जी, रॉकेट साइंस तो है नहीं, थोड़ी कसरत है बस। दाल को जब सोक या फर्मेंट या जर्मिनेट करते हैं तब दाल की जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ है वो 12 गुना बढ़ जाती है। The nutritional property of lentils increases 12 times once they germinate or ferment. और दूसरी और सबसे important चीज़, आपका शरीर जो है उसको बहुत जल्दी digest कर लेता है। And that's why whenever you're cooking, I always say कि रात का समय बहुत important है। जितनी चीज़ें रात को soak कर ली, एक तो digestion के लिए आसान हो जाएगा, दूसरा उसकी nutritional value बढ़ जाएगी। Moral of the story is pre-soak, because soaking जो है वो अच्छी है। अभी बनानी है फिलिंग। तो अगर स्टफ दही भल्ले है तो फिलिंग तो होगी ना। हरी मिर्च, लो जी अभी गया अदरक, तेल तैयार है। अब हाथ में पानी लगाया, पानी लगाने के बाद ऐसे अपने मतलब का ऐसे बैटर निकाले। अब देखिए ये कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं ना बैटर की, ये कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ये सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ये कंसिस्टेंसी मिल गई तो आप समझ लीजिए दही भल्ले वाले हलवाई बन गए। अब एक बार ये बैटर बनाया उसके बाद इसके अंदर डाली ये फिलिंग। ये फिलिंग डालने के बाद इसको कर दिया ऐसे फोल्ड, ठीक है ना। अब इसकी खूबी ये है कि भाई देखिए उंगलियों के निशान आने चाहिए तो ये उंगलियों के निशान आ गए। अब इसको डाल दिया फ्राई होने को। सिंपल, रॉकेट साइंस तो है नहीं। और दही भल्ले के लिए ना गैस बहुत तेज होनी चाहिए, तो जो सबसे बड़ा चूल्हा है ना वो यूज करना है, क्योंकि भल्ला जो है वो ठंडा है, बहुत सारा पानी है उसके अंदर। जैसे ही आप डालते हैं तेल ठंडा हो जाता है, तो इसके लिए धीरे धीरे करके डालना है, बहुत सारे एक साथ नहीं डालने हैं। और जो घर की सबसे बड़ी गैस है वो इस्तेमाल करना, सिंपल इजी। और ऐसे ही हंसते खेलते दही भल्ला भी बन जाएगा। ये है ना स्टफिंग बराबर, बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। गुनगुने पानी में ना ये सारी गुजिया जो है, दही गुजिया बोलते हैं हम लोग इसको, हमारे लखनऊ की तरफ इसको दही गुजिया बोलते हैं। गुजिया जैसी है ना, देखिए ये अंदर स्टफिंग, बाहर से गुजिया जैसी है और अंदर स्टफिंग है, दही गुजिया या फिर स्टफ दही भल्ले। पानी को गुनगुना करके पानी के अंदर नमक, लाल मिर्च और थोड़ी सी इमली की चटनी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बस, और शक्कर वो तो ज़रूरी है। देखिए अगर ओरिजिन्स की बात करें तो बड़े सारे लोग बड़े सारे किस्से सुनाते हैं कि भाई दही भल्ला कैसे शुरू हुआ। जहाँ तक वड़े का ओरिजिन है, वड़ा जो है या दाल का वड़ा जो है, वड़े का ओरिजिन प्राइमरीली साउथ इंडिया से, लेकिन वड़े और दही का जो मेल है और दही भल्ले का जो कॉम्बिनेशन है वो नॉर्थ इंडियन। और ये कहा जाता है कि बनारस में असल में जो आज का दही भल्ला है उसकी शुरुआत हुई। उसके दो कारण हैं जिसलिए आप बिलीव कर सकते हैं। एक तो बनारस का जो टेम्परेचर है वो फर्मेंटेशन अलाउ करता है, इट अलाउज द लेंटिल्स टू फर्मेंट। और दूसरा ये कहा जाता है कि भाई बनारस में एक हलवाई थे, उन्होंने दाल जो है वो पीसी थी चीले बनाने के लिए या कुछ फिलिंग करने के लिए, दाल जो है वो फर्मेंट कर गई
और फर्मेंट होने के बाद उन्होंने कहा अब ये तो ख़राब हो जाएगी, तो सामने तेल था तो उन्होंने फ्राई होने के लिए डाल दी ताकि वो फर्मेंटेड दाल और ज़्यादा ख़राब ना हो। और तब जो उसके एकदम स्पॉन्जी भल्ले बन गए, उसके बाद उसको उन्होंने दही में डाल के चटनी के साथ जो बनारस की फेमस है सर्व कर दिया। कहानी सच हो या झूठ, अच्छी। तो ये खाना बनाना कोई रॉकेट साइंस तो वैसे भी नहीं है ना, तो करना कुछ नहीं है। वीकेंड को रात को दाल भिगो देनी है, तो अगर सैटरडे छुट्टी है तो फ्राइडे रात को दाल भिगो देना, उसके बाद कुछ नहीं है, लंच तक दही भल्ले रेडी। सुबह सुबह फेंट लिया, उसके बाद फ्राई कर लिया, फ्राई करके पानी में सोख किया थोड़ी देर, दही में डाल के डेढ़ घंटा छोड़ दिया और लंच तक दही भल्ले रेडी। सो दिस वीकेंड आई हैव अ प्लान। हाँ, एक और प्लान है मेरा, वो ये है कि मैं आपको बोलूँगा कि आप नीचे वो जो बटन है ना, वो सब्सक्राइब वाला, वो दबाएंगे और फिर आप दबा देंगे, फिर वो बेल आइकन दबाएंगे, फिर टच में रहना तो ज़रूरी है ना। अगले वीकेंड क्या बनाएंगे, इस बार दही भल्ला बना लिया। चलो